रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलवाना के कुदई बांग गांव में हूँ। मेरे साथ इस समय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी यहाँ पर उपस्थित। आइए इनसे बात करते हैं। सर आपका स्वागत। सर आपके रूप में झारखंड प्रदेश को प्रथम मुख्यमंत्री मिला। झारखंड राज्य में विकास के ऐतिहासिक कार्य आपके द्वारा हुए। वर्तमान में स्थितियां पूरी तरह से बदली हुई है। भाजपा में आप हैं, आप भाजपा पार्टी में अभी फिलहाल किस जिम्मेदारी पर हैं? क्या कुछ हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के लीडर हैं, क्योंकि हम सब अपोजिशन में हैं, तो अपोजिशन का काम ही होता है कि जनता गड़बड़ी हो रही है, सरकार गड़बड़ कर रही है, उसको हम लोग सरकार के सामने भी और जनता के सामने उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि सरकार को रचनात्मक हम सहयोग करें। अगर कोई गलत हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, उसको सरकार के संज्ञान में लाना, सरकार से अनुरोध करना कि उसको वो ठीक करे, अच्छे तरह से काम करे। अपोजिशन का इतना ही काम है, करना तो सरकार को है, करना तो सरकार को ही है, सरकार कर रही है। सरकार जो कुछ भी कर रही है, अगर आपकी राय ली जाए सरकार के कार्यों के विषय में, अब तक हेमंत सरकार की जो कार्य है, जब उनके जो कार्य है, उनके द्वारा जो काम चल रहे हैं पूरे राज्य में, आपकी राय क्या, आप उनके कार्यों से, सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं या क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हमने बार बार कहा कि सरकार जब बनाते सरकार बनाने के बाद विधानसभा में भी और विधानसभा से बाहर सरकार ने कई घोषणा, लोग उम्मीद कर रहे थे उन सारे घोषणाओं को वो पूरा करें, सही किसानों का कर्जा माफ करने की बात, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात, भत्ता देने की बात, ऐसे कई एक उन्होंने घोषणा की। तो किसानों के कर्जे तो कितना माफ हुआ आप सबको पता ही है क्या चल रहा है उसमें। यहाँ तक कि किसानों ने जो धान भी बेचा था सरकार, उसके भी पैसे अभी तक सरकार दे नहीं पाई। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि आप इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन सरकार के कार्यों में संतुष्टि आप नहीं देख रहे हैं और आप असंतुष्ट हैं। सरकार को जो काम करना चाहिए था वो काम हो नहीं पा रहा है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं कि आप नए कुछ काम करें। आपने जो जनता को वादा किया, चाहे बाहर में वादा किए हो चुनाव के समय या चुनाव के बाद भी सदन में आपने आश्वस्त किया था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, आपने कहा था। तो हम बार बार कहते हैं कि सरकार अगर अपनी जो उन्होंने वादा किया अगर उतनी काम को ही पूरा कर लेंगे बड़ी बातें हो जाएगी, और जब वादा करती है तो उनको पूरा करना भी चाहिए। सर, सरकार के द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं या पूरे करने में अभी सरकार असफल है। चलिए, बात देखने की है आने वाले समय में क्या कुछ करती है ये सरकार। बात अगर महामारी की जाए, कोरोना महामारी की, दूसरा जो लहर है पहले लहर की तुलना में बहुत ही भयावह है। वर्तमान जो स्थिति है, आप पूरे राज्य भर में सक्रिय हैं, कैसा अभी चल रहा है पूरा का पूरा ये महामारी का दौर? सरकार इस महामारी में विशेष करके अपना जो दायित्व है, उन दायित्वों का निर्वहन किस तरह से कर पा रही है, क्या वो अपने कार्यों को सही तरीके से अंजाम दे पा रही है? देखिए, पहली बात तो क्या है कि जब दूसरी महामारी सरकार तैयारी कर, लेकिन उस पर सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं,
हेल्थ का जो विषय है, स्वास्थ्य का मामला, वो राज्य सरकार से, और राज्य सरकार को हर हमेशा तत्पर रहना चाहिए। लेकिन सरकार ने उस दिशा में पहल नहीं की, उसका परिणाम ये हुआ जब दूसरी लहर जोर पर, तो झारखंड ही नहीं बल्कि झारखंड देश के विभिन्न हिस्सों में काफी अपराध हो गए, काफी लोग मर भी गए उसमें। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी वर्तमान सरकार के कार्यशैली और कार्यप्रणाली को अपने माध्यम से हम सभी के सामने रख रहे थे, असंतुष्ट हैं। सरकार को जो काम करने चाहिए, जो वायदे किए गए थे, उन वायदों को सही तरीके से निभाया नहीं गया। सरकार से जो जनता को उम्मीदें थी, उन उम्मीदों की कसौटी पर सरकार जो है वर्तमान राज्य की, वो खरी उतर नहीं पाई। बात अगर कोरोना महामारी के इस विपरीत और प्रतिकूल समय की जाए, तो ऐसे विपदा के दौर में भी सरकार ने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन अगर अच्छा से किया होता, तो परिणाम जो वर्तमान में है इससे अच्छे रहे होते, ऐसा कहना है प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड श्री बाबूलाल मरांडी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद।